लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, मे आई कम इन प्लीज? यस सर, कम इन। सर, विल यू प्लीज डू मी अ फेवर? सर, यस ऑफ कोर्स। ये सब क्या है सर? प्लीज आप ये अंगूठी रख लीजिए, मेरी मंगेतर ने मुझे दी थी। अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज उसे लौटा दीजिएगा। क्या बकवास कर रहे हो? डोंट से ऑल दिस। तुम वापस आओगे और जीत कर आओगे। भगवान करे ऐसा ही हो सर, मगर फिर भी आप ये अंगूठी रख लीजिए। मोहब्बत की अमानत बहुत भारी होती है सर, इसका वजन उठाकर मैं मर नहीं पाऊंगा। हेलो अनुज। और कौन हो सकता है? आई एम प्राउड ऑफ यू अनुज, तुम्हारे और तुम्हारी बटालियन के चर्चे हैं। यस आई नो, वी हैव 1.4540। अब तो तुम वापस आ रहे हो ना? बस 0.4875 कैप्चर करके मैं वापस आ जाऊंगा। ये तुम्हारी कमक पॉइंट्स कब खत्म होंगे? अच्छा सुनो। हाँ बोलो। अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम किसी और से। बकवास बंद करो। लिसन, टेक इट इजी सिमरन, बी रियलिस्टिक, दिस इज वॉर, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे पास एंगेजमेंट रिंग है ना? हाँ है। बस वही तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें मेरे पास सहरा बांध के ले आएगी। ओके लव, जैसा तुम कहो। हेलो हेलो, कमाल है, हमेशा पटर पटर करने वाली आज बिल्कुल चुप है, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? I don't know, bye bye, टाटा, या फिर अपनी पंजाबी में चंगा जी भैर। हाँ, जब दिल दिल से बात करता है तो होठों को चुप रहना चाहिए। अरे वाह, आप तो शायरी करने लगी। जिंदगी के पल ही शायरी को जन्म देते हैं। अनुज, we are ready to leave. Well, that's it. सुनो, तुम्हें बहुत बुरी आदत है, जाते हुए तुम कभी पलट के नहीं देखते, इस बार जरूर देखना, वरना जिंदगी भर यहीं खड़ी रहोगी। हाँ देखूंगा, मगर एक शर्त पर, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम भी कभी पलट कर मत देखना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। ले, तू मुझे समझाई नहीं, लेफ्टिनेंट अनुज नायर, जिंदगी से हाथ छोड़ाना मुमकिन है लेकिन सिमरन से नहीं। आई लव यू। हेमा, हेमा, देख शायद भैया जी का फोन है। हेलो 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 हेलो, अम्मा अम्मा, मनोज। अरे भैया जी, सच में भैया जी बोले हैं? भैया जी, हमारा तो दिल खुश हो गया भैया जी। अम्मा, मेरा मन कह रहा था कि तू ही फोन उठाएगी आज। अरे भैया जी, का फोन की बात बताई तुम्हें, आकर लगा गए 10 दिन में। बोले मुन्ना जी फौज में बहुत बड़ा अफसर है, उके घर तो फोन होना ही चाहिए है? अरे कल 8-10 दिन बाद जब घंटी बजी तो बोले मिठाई खिलाओ अम्मा जी, मिठाई खिलाओ। हम कहा हाँ मिठाई जरूर खिलाई दे, हमारा भैया वापस आ जाए हम जरूर मिठाई खिलाई दे। लेकिन भैया जी, आज तो हर फोन आ गया, आज तो हम जरूर मिठाई खिलाई दे, बुला के मिठाई खिलाई दे। छोड़ ना अम्मा, मैंने उन सब के लिए फोन नहीं किया, तू बता तू कैसी है? हम तो ठीक है भैया जी, तू कैसा है? क्या करे भैया जी, ओए अखबार वाले टीवी वाले बहुत परेशान किए हैं, बोले हैं जहाँ तू है
और खून की होली हो है। क्या भैया जी, बहुत बच्चे मर गए क्या? अम्मा, तू मेरी माँ की ऐसी बात करती है? ये अखबार और टीवी वाले तो दुनिया को डरा के पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आए भैया जी, ई का आवाज थी? अब अम्मा, वो सावन का महीना है ना, बादल तो गरजेंगे ही। हाँ? तुम बाबूजी को फोन दो। बाबूजी तो रे बाहर गए हैं रीडिंग रूम में, अखबार पढ़ते रहते हैं तोरी और तोरी पलटन की खबर के लिए। बाद में फोन कर लेना। कोशिश करूंगा अम्मा, शायद ये मेरा आखिरी फोन हो। आखिरी फोन है? ऐसी बात क्यों कहे हैं भैया जी? मेरा मतलब है अम्मा, ये बैटरी वाला फोन है ना, बैटरी खत्म हो सकती है। अच्छा ऐसा है, अच्छा तो ले हेमा से बात कर ले। हेमा, वो वहाँ क्या कर रही है? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, सारा दिन हमार सेवा करे है, तेरे कमरे में रहे या हमारे साथ रहे है। इले बात कर। हेलो, कैसे हो? हेमा जी, माँ का ख्याल रखना। जरूर रखूंगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। हेलो 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 हेलो, तैयारी हो गई सारी जाने की? सब रख लिया? टूथब्रश, कंघी, दाढ़ी का सामान, पैंट शर्ट, स्वेटर, देखो सब गिन कर ले जाना और वापसी में गिन कर ले आना, कुछ गुम नहीं कर देना। और हाँ, वहाँ बर्फ में अपनी हीरोगिरी मत दिखाना, ठंड खा गई तो सारी हीरोगिरी बाहर निकल जाएगी। वहाँ ना माजी होगी ना हेमा, कोई पूछने वाला ना होगा। चिट्ठी लिखोगे ना? नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी चिट्ठी बर्फ जैसी ठंडी होती है। बस बस कर अपना ड्रामा, मैं निकल रहा हूँ, तू स्टेशन मत आना। क्यों? क्योंकि मैं तेरे दिल की हालत तुझसे बेहतर जानता हूँ। वहाँ आके सबके सामने आंसू टपकाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम आंसू टपकाएंगे तुम्हें जाते हुए देख के? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? भाई मैं भी अपना नाम जानता हूँ, कुछ आगे भी बोलोगी? पता है मैंने तुम्हें कल देखा। कहाँ? अरे टीवी पर, उसके साथ क्या बुलाते हैं उसे, वही बरखा, बरखा दत्त, तुम बातें कर रहे थे उससे। हाँ, 0.5140 जीतने के बाद हम नीचे आए थे। हाँ हाँ, जब भी तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, खास करके वो बरखा ऐसे खुश हो रही थी जैसे मेरी नहीं उसकी शादी होने वाली है तुमसे। मिठू, आज तक मैं समझता था कि तुम आधी पागल हो, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम आधी नहीं पूरी पागल हो। हाँ हाँ, पूरी ही सही, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने खुश नहीं लग रहे थे। खुशी तो था। मिठू की आंखें धोखा नहीं खा सकती, और वो भी विकी के बारे में। तुम ठीक कहती हो,
लड़ाई में हर जीत की कीमत चुकानी पड़ती है। आई जस्ट लॉस्ट डियर फ्रेंड मेजर जसरोटिया, और हमारी बटालियन के काफी जवान शहीद हो गए। I'm sorry, Vicky. I'm really sorry. It's part of the game. लेकिन वो सच कुछ बहुत ही प्यारा था। पता है उसने वादा किया था कि वो हमारी शादी में आएगा और घोड़ी के सामने नाचेगा। जी करता है उड़ कर आ जाऊं और तुम्हारी सारी दुख बांट लूं। तुम तो हमेशा मेरे साथ मिटो। अब तो तुम छुट्टी आ रहे हो ना? अप्लाई तो किया है पर छुट्टी के लिए नहीं, 0.4875 पे जाने के लिए। What? Are you crazy? ये दिल मांगे मोर। मोर के बच्चे, कभी मेरा भी सोचा है कि मुझ पर क्या गुजर रही है? Don't worry, I'll come back soon. मैं वापस आऊंगा। और अगर नहीं आ सका तो then promise me, तुम मुड़ के पीछे नहीं देखोगी। You'll never ever look back. Vicky, तुम कभी नहीं सुधरोगे। एक पल हंसाते हो और दूसरे पर रुला देते हो। इसी धूप छांव के खेल का नाम जिंदगी है मिट्टू। ओए फिलोसोफर, मुझे भाषा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विकी चाहिए। विकी विकी विकी। ओके मिट्टू, आई लव यू। ठीक है, और हीरोगिरी ज्यादा मत करना, फोन करना मुझे। अपना ख्याल रखना। रॉजर, ओवर एंड आउट। विकी विकी लिसन। I'm insecure about you. डरता हूँ कहीं तुम्हें खो ना दूँ। विकी तुम जा रहे हो ना, इसलिए सेंटिमेंटल हो रहे हो। मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। अगर हमारी शादी हो जाती तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। मगर तुम जानते हो ना, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। आप क्या सोच रहे हो? एक रास्ता है। भी करते तो भी मैं हमेशा तुम्हारी ही रहती। चलता हूं।